हेलो फ्रेंड्स, प्रजापति फैमिली में आप सबका स्वागत है। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, मजा में होंगे और जलसा कर रहे होंगे। हमारी पैकिंग सीरीज में आप सबका स्वागत है। पैकिंग सीरीज इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए है, जो स्टडी के लिए एब्रॉड जाने वाले हैं, तो उसके लिए हम ये पैकिंग सीरीज बना रहे हैं। तो आज हम वीडियो बनाने वाले हैं क्लॉथ के ऊपर, कपड़े कौन से लेने चाहिए, गरम कपड़े जो रेगुलर यूज़ करें वो कपड़े, थोड़े बहुत फुटवेयर और बहुत सारी आइटम जो हम क्लोथिंग के अंदर आती है उसके ऊपर आज वीडियो बना ले वाले हैं। जो आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और बहुत अच्छे अच्छे और भी वीडियो बना सके। तो ज़्यादा देर नहीं करते, हम वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहले शुरुआत करते हैं ब्लैंकेट से। एक मैंने छोटा ब्लैंकेट ले लिया है क्योंकि वहाँ पे ठंडी का मौसम रहता है, ज़्यादातर ठंडा एटमोसफियर रहता है, इसलिए मैंने एक छोटा ब्लैंकेट ले लिया है। आपके बैग में जगह हो तो आप ले जा सकते हो, नहीं तो वहाँ से भी खरीद सकते हो। मेरे पास एक डोरमेट था घर पे नया ही, तो मैंने एक डोरमेट भी रख लिया है। दो मैंने बेडशीट ले ली है 15 दिन के बाद चेंज करने के लिए। आप बेडशीट है वो डबल साइज डबल बेड की आती है वो बड़ी, या तो जंबो साइज भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने जंबो साइज ले ली है क्योंकि वहाँ के जो गद्दे हैं वो बहुत बड़े होते हैं, इसलिए आप हो सके तो जंबो साइज की बेडशीट खरीद ले। दो मैंने टावल रख लिए, एक फर टाइप टावल है वो और एक सिंपल जो हम लोग यूज करते हैं। टावल के बाद आते हैं स्वेटर्स। मैंने दो स्वेटर रख लिए हैं क्योंकि मैं आज जब जा रही हूँ तब इतना ठंडी का मौसम नहीं है, वहाँ पे अभी समर ही चल रहा है, तो मैंने कोई विंटर जैकेट नहीं लिया या स्नो जैकेट नहीं लिया, स्वेटर ही ले ली है। एक स्वेटर जो मेरे पास था, मैं रेगुलर विंटर में यहाँ इंडिया में पहनती हूँ वो, और एक मैंने नया ले लिया है, तो स्टार्टिंग के दिनों में काम चल जाएगा। आप जब विंटर में जा रहे हो तो आप एक विंटर जैकेट भी ले सकते हो, लेकिन मैं आपको ये प्रीफर करूँगी कि आप यूके या कनाडा जाके विंटर जैकेट खरीदे, क्योंकि वहाँ पे वहाँ के वेदर के अकॉर्डिंग कपड़े मिलते हैं, तो विंटर जैकेट अच्छे क्वालिटी की और अच्छी प्राइस में मिल जाएंगी। मैंने अंडरगारमेंट्स भी रख लिए हैं और थोड़े बहुत सॉक्स के पैर भी है, थोड़े हैंकरचीफ ले ली है, जो मेरे पास थे वही ले लिए मैंने। ग्लव्स है जो ठंडी के मौसम में यूजफुल रहते हैं, ये मेरे पास था इसलिए मैंने यही लिया है, कोई नया नहीं परचेज किया। और मैं आपको एक बात और बोल दूं कि मेरे को इतना ज़्यादा फैशन का शौक नहीं है और मैं सिंपल कपड़े ही पहनती हूँ, इसलिए मैंने अपने अकॉर्डिंग कपड़े ले लिए है। आपका बजट ज़्यादा हो तो आपके अकॉर्डिंग कपड़े ले सकती है, ले सकते हैं, ब्रांडेड कपड़े ले सकती है, लेकिन मैंने अपने बजट के अकॉर्डिंग और मैं जैसा पहनती हूँ उसके अकॉर्डिंग मैंने कपड़े खरीद लिए है। थोड़े बहुत मैंने फुटवेयर भी ले लिए है, एक फॉर्मल पेयर ले ली है, कहीं बाहर काम कर रहे हो हम या कोई प्रोफेशनल कोई फंक्शन हो तब हम फॉर्मल फुटवेयर पहन सकते हैं गर्ल्स के लिए। एक मैंने स्लीपर रख ली है और मैंने एक शूज की पेयर ले ली है, क्योंकि वहाँ पे टू व्हीलर वगैरह होता नहीं है, ज़्यादातर चल के ही जाना पड़ता है, इसलिए मैंने एक शूज ले लिया है। ट्रेडिशनल वेयर में मैंने दो साड़ी ले ली है जो मैं यहाँ इंडिया में भी पहनती हूँ। तीन पेयर मैंने फॉर्मल पैंट ले ली है, अलग अलग कलर में ले लिए है, और दो पैंट ले ली है, एक दो जीन्स ही है, एक ब्लैक है और एक वाइट है। दो मैंने जॉगर ले ली है, हम लोग
ट्रैक भी बोलते हैं, तो ट्रैक पैंट दो अलग अलग कलर के ले लिए हैं। ये मैंने 3 जीन्स ले ली है, अलग अलग कलर की। मैं इंडिया में तो वैसे जीन्स नहीं पहनती हूँ, लेकिन वहाँ जाके जीन्स पहनना पड़ेगा, क्या करे। दो नाइट ड्रेस के लिए ट्रैक है, नाइट ड्रेस रात को पहनने के लिए जो कंफर्टेबल रहता है, ऐसा मटेरियल है। एक मैंने सिगर पैंट ले लिया है, कुर्ती के नीचे या कोई लॉन्ग टॉप है उसके नीचे पहन सकते हैं, इसलिए मैंने ब्लैक लिया है। एक पेयर मैंने थर्मल की ले ली है, एक पेयर मेरे लिए इनफ है क्योंकि यूके में ठंडी कम रहती है एज़ कम्पेयर टू कनाडा। आप चाहे तो 2 पेयर भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 फॉर्मल शर्ट ले ली है, फॉर्मल पैंट के ऊपर पहनने के लिए। यहाँ थोड़े सॉक्स है, बेली में या शूज के अंदर पहनने के लिए सॉक्स ले ली है। 2 नैपकिन ले लिए हैं। यहाँ पे मैंने 4 डिफरेंट कलर के टी शर्ट ले ली है, जीन्स के ऊपर भी पहनने के लिए, और नाइट ड्रेस के ट्रैक है उसके ऊपर भी पहन सकते हैं। यहाँ फॉर्मल के लिए मैंने 2 कुर्ती लेगिंग्स ले लिए हैं। एक मैंने ओढ़ने के लिए चादर ले ली है, वो पतली है, लेकिन मैं इंडिया में डेली इसको लेके ही सोती हूँ, मेरे को इसके बिना नींद नहीं आती, इसलिए मैंने वही ले ली है जो मैं यहाँ पे इंडिया में यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मैंने वुलन कैप जो मफलर के साथ आता है वो ले लिया है, और एक गरम रुमाल है जो हम सिर पे बांधते हैं। ये मेरे आंटी ने दिया है, उनका प्रेम मेरे साथ यूके जा रहा है, थैंक यू सो मच आंटी। और यहाँ पे मैंने 2 ट्रेडिशनल ड्रेस ले लिए हैं, हिंदी में हम इसको सूट बोलते हैं, तो वो मैंने ले लिया है। कहीं पे फंक्शन हो, ट्रेडिशनल फंक्शन, कोई त्योहार हो, तो मैं ये पहन सकती हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़े टॉप ले लिए हैं जींस के ऊपर पहनने के लिए, ये मैंने 7 टॉप ले लिए हैं जो अलग अलग कलर के हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे हम अपना वीडियो एंड करते हैं। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग क्लॉथ ले ली है, जो मैं यहाँ इंडिया में पहनती थी वही है, थोड़े बहुत नया कलेक्शन लिया है, बाकी के जो आइटम है वो मैंने यूज़ करती हूँ, वैसे ही मैंने चीज़ ले ली है, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम ज़्यादा ब्रांडेड कपड़े नहीं लेते। आप लोगों का बजट अच्छा हो, आप ब्रांडेड कपड़े पहनते हो, आप वैसा ले सकते हैं, आपको जो कंफर्टेबल हो आप वैसा ले सकते हैं। वहाँ पे थोड़ा वेदर ठंडा रहता है, तो आप लॉन्ग स्लीव के टी शर्ट ज़्यादा ले सकते हैं, शॉर्ट्स आप पहनते हो तो वैसा ले सकते हैं, विंटर जैकेट भी ले जा सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग ले जा सकते हैं। मैंने अपने खरीदी जो की है वही मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे हम अपना वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।